30 किलोमीटर का डिस्टेंस है लोगों की खिदमत में पल है। यही मेन जीटी रोड जो है सीजर जो है वो भी अंडर प्रोसेसिंग है। जी नाजरीन, जिस तरीके से मैं गेट से इंटर हुआ हूँ और गेट से इंटर होने के बाद जो है ये उसका मेन बुलेवार्ड था और ये जो है उसकी डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट के अतबार से आप खुद देख सकते हैं कि सोसाइटी जो है अल्हम्दुलिल्लाह डेवलपमेंट कर रही है और मेन रोड है, कोई इसके अंदर जो है ज़्यादा डिस्टेंस नहीं लगता। टोटल जो है 15 से 20 किलोमीटर टोटल जो है इसका डिस्टेंस है। अगर रोड के ऊपर रश हो तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, अदरवाइज़ जो है ये टोटल जो है 20 किलोमीटर का डिस्टेंस है फ्रॉम G11 मरकज़, और उधर से 20 किलोमीटर है अगर आप एयरपोर्ट से लगाएं तो ये टोटल 8 किलोमीटर का डिस्टेंस है। जहाँ से मैंने वीडियो स्टार्ट की थी उससे मीटर हमने ज़ीरो किया था, मीटर ज़ीरो करने के बाद हम वहाँ पे स्टार्ट हुए थे और उसके बाद जो है हमने अपनी वीडियो को स्टार्ट किया था। तो मौजूद नाज़रीन, इस वक्त जो है वो डेवलपमेंट के अतबार से भी डेवलपमेंट भी सोसाइटी अल्हम्दुलिल्लाह कर रही है और इसके बाद जो है अभी रोड कारपेटिंग का काम स्टार्ट होगा। और देखें, कोई भी प्रोजेक्ट होता है इनिशियल स्टेज के ऊपर उसकी पेमेंट्स कम होती हैं और जूँ जूँ जो है उसकी डेवलपमेंट बढ़ती जाती है उस एतबार से जो है लोग जो है पैसा भी उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। डेवलपमेंट भी जूँ जूँ बढ़ती है तो साथ में उसका प्रॉफिट भी स्टार्ट हो जाता है। तो मुझे आदरणीय अल्फाज से मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। ये थी दी लाइव रेजिडेंशिया की लोकेशन और थोड़ा सा एरियल व्यू डिवेलपमेंट का। तो इन्हीं अल्फाज से आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे किसी नए प्रोजेक्ट के ऊपर, किसी नए वीडियो के साथ, नई डेवलपमेंट के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। जनाब, हम उसी मेन रोड के ऊपर जो एयरपोर्ट वाला साइड मैंने आपको बताई थी उसी के अंदर से जो है इसकी एंट्रेंस है और ये जो है हमारा मुमताज सिटी जो है मेरी बैक साइड के ऊपर जो है वो टॉप सिटी है और जो जिसके अंदर मैं अभी इंटर हो रहा हूँ वो जो है ये मुमताज सिटी है और ये मुमताज सिटी से भी आप जो है आपका एंट्रेंस इसकी मौजूद है। और आप जो है अगर मेन फतेह जंग रोड से आएँ तो मेन फतेह जंग रोड, मेन जीटी रोड जो है उससे भी इसकी एक्सेस जो है द लाइफ रेजिडेंशिया की मौजूद है। इस वक्त इस जोन के अंदर नियर एयरपोर्ट और बेहतरीन और इंस्टॉलमेंट्स प्लान के ऊपर यही एक हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो कि द लाइफ रेजिडेंशिया जिसको कहा जाता है और एक कमिंग सोन जो है नेक्स्ट आएगा तो उसके ऊपर मैं इंशाल्लाह ताला आप लोगों की खिदमत में पेश करूंगा। इस वक्त जो है ये हम ये देख लें, ये सारा जो है मुमताज़ सिटी है और ये मुमताज़ सिटी के अंदर जो है आपको पता है किस वक्त 5 मरले के प्लॉट की कीमत भी जो है वो 60 से 65 लाख रुपया है और इसके अंदर 10 मरला जो है वो 1+ है। तो देखें कि आज अगर इस मुमताज़ सिटी की वर्थ जो है इतनी 5 मरले की प्लॉट की कीमत है तो आने वाले वक्त में द लाइफ रेजिडेंशिया जो कि न्यू एयरपोर्ट के संगम में है उसकी वैल्यू क्या होगी। ये भी इसी तरह लोगों ने इतने में प्लॉट लिए थे, 12-15 लाख रुपए का प्लॉट हुआ करता था जब इसकी बुकिंग हुई थी। तो आज देखें लोग जो है भारी मुनाफा कमा चुके हैं और जाहिर है उन्होंने वेट किया, होल्डिंग पावर थी, दैट्स वाई उन्होंने जो है इसके अंदर पैसे कमाए हैं। ये मुमताज़ सिटी की इंटरेस्ट के अंदर से हम इंशाल्लाह ताला द लाइफ रेजिडेंशिया की जानिब जो है वो जाएंगे और आप लोगों को दिखाएंगे कि साइट के ऊपर जो है क्या पोजीशन है। अभी यही रोड जो है आगे फतेह जंग रोड के ऊपर चढ़ जाएगा, फतेह जंग रोड से आगे जो है दामा फाटक आएगा और फाटक से जो है हम द लाइफ रेजिडेंशिया की लोकेशन के अंदर इंटर हो जाएंगे। हमारे साथ रहिएगा, आपको अपडेट करते हैं। जी नाजरीन, हम जो ही जो है मुमताज़ सिटी से जो है वो मेन जीटी रोड के ऊपर चढ़े हैं तो मेन जीटी रोड से ऊपर ये फतेह जंग रोड है, जीटी रोड है। इसके साथ जो है मेरी लेफ्ट साइड के ऊपर जो है ये आप देख सकते हैं कि ये फिजाइया है, फिजाइया हाउसिंग स्कीम है जिसका ये गेट आपको नज़र आ रहा है, ये फिजाइया है, फिजाइया हाउसिंग स्कीम है। इसके अंदर जो है लोग लिवेबल हैं। यही मेन जीटी रोड जो है आगे जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की एक हाउसिंग सोसाइटी है, सुप्रीम कोर्ट, और इसके ऊपर यानी ये एक बहुत बड़ा हब है मेन फतेह जंग रोड जिसके ऊपर जो है बहुत सारी हाउसिंग स्कीम्स जो हैं आबाद हैं। जैसा कि आपको पता है कि फैसल टाउन का हम काम करते हैं, ZM का जो प्रोजेक्ट है फैसल टाउन है और इसी रोड के ऊपर आगे जो है ग्रेसलैंड है, ग्रेसलैंड हाउसिंग सोसाइटी जिसके ऊपर हमने लास्ट टाइम भी एक वीडियो बनाई थी। मीन्स के ये एक बहुत बड़ा जो है सोसाइटियों का एक हब है जिसके ऊपर जो है सोसाइटियाँ बहुत सारी बनी हुई हैं और द लाइफ रेजिडेंशिया भी इसी रोड के ऊपर ही मौजूद है। हम इंशाल्लाह ताला उसी की जानिब जा रहे हैं और उसकी साइट विज़िट करवाते हैं आप लोगों को, या बहुत सारे क्लाइंट्स हमारे पूछते हैं कि यार इसकी लोकेशन किस साइट पर है, अगर हम जाना चाहते हैं तो किस तरफ से जाएं, तो उनके लिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि उन लोगों के लिए आसानी हो सके जो कि विज़िट करना चाहें वो विज़िट कर लें ईजीली। ये उसी के साथ जो है ये PCHS की लोकेशन है, PCHS से आगे जो है
यानी इसके जो दीवारें होंगी या जो कनेक्टेड होगी, ये PCHS और मुमताज सिटी से जो है इसका रकबा जो है वो कनेक्टेड होगा दिलाइफ रेजिडेंशिया का। तो जितने भी मेम्बरान होंगे, क्लाइंट्स होंगे, एयरपोर्ट के करीब जो है, ये हम ऊपर से जा रहे हैं यानी GT रोड से जा रहे हैं। अगर जब इसकी एक्सेस और इसके रोड जो हैं अंदर से कनेक्टेड हो जाएंगे, यानी इसके लैंड जिस तरीके से सोसाइटी परचेज कर रही है, PP1 भी अपना क्लियर कर चुकी है, PP1 के बाद जो है इसका PP2 और इसका NOC का प्रोसीजर जो है वो भी अंडर प्रोसेसिंग है। जब वो क्लियर हो जाएगा तो रेट्स भी इंशाल्लाह ताला अल्हम्दुलिल्लाह बेहतर हो जाएंगे, और रेट्स के साथ साथ जो है इसका रोड भी कनेक्टेड हो जाएंगे, डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इसके अंदर एक बहुत खूबसूरत एक झील है जिसका आज इंशाल्लाह ताला हम विजिट करेंगे और आप लोगों को दिखाएंगे। वो कुदरती झील इस सोसाइटी के अंदर है, जो कि आप देखेंगे तो आपको उसका आइडिया हो जाएगा कि कितनी ही ज़बरदस्त और अच्छी हाउसिंग स्कीम जो है दी लाइफ रेजिडेंशिया बनने जा रही है।